हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जे वी एन सेवी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एवीएम के मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 17 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे आप निश्चित रूप से एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कभी कभी केस स्टडी पूछ लिया जाता है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। आज के इस वीडियो लेसन में आपको हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताऊंगा, और आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक है जो कि IIBF के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब की गई है इस चैप्टर से पढ़ने के लिए। सबसे पहले समझना है कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है दोस्तों, और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि इस पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल रहे, उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो आज जो मैं आपको थ्योरी पार्ट समझाने जा रहा हूँ, एक एक बात को ध्यान से समझिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नेचर को समझेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है, इसका नेचर क्या होता है दोस्तों, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या 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 नाम है, अलग अलग कंट्रीज में गवर्नमेंट बॉन्ड क्या क्या नाम है वो भी जरा देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग वर्किंग ऑफ बॉन्ड देखेंगे, आखिर बॉन्ड कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो वो टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्तों। बॉन्ड्स को समझने के बाद हम लोग बॉन्ड प्राइसेस को समझेंगे कि बॉन्ड प्राइसेस का क्या मीनिंग है, और बॉन्ड प्राइसेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों बेसिकली आपके पास एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर होता है, तो आपको कैलकुलेटर से कैसे यूज़ करके बॉन्ड प्राइस को निकालना, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बॉन्ड प्राइस के साथ हम लोग बॉन्ड का यील्ड निकालना सीखेंगे, यील्ड कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का। उसके बाद है दोस्तों यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी जो है किसी बॉन्ड को कैसे निकाला जाता है, ये भी हम लोग समझेंगे। और दोस्तों रेट ऑफ़ रिटर्न, देखिए हर एक बॉन्ड का अपना रेट ऑफ़ रिटर्न होता है, तो रेट ऑफ़ रिटर्न क्या होता है उसे समझेंगे। और साथ ही साथ यील्ड टू मैच्योरिटी और रेट ऑफ़ रिटर्न में जो डिफरेंस होता है वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और छठा टॉपिक है अपना रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो सब को जो हम लोग देखेंगे। ब्रॉडली कहा जाए तो दो रिस्क है, एक हमारा क्रेडिट रिस्क है और दूसरा दोस्तों हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ये सब हम लोग समझेंगे दोस्तों। साथ में मार्केट रिस्क कह सकते हैं आप। सातवां पॉइंट है वेरिएशन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड किस किस तरह के होते हैं, उनमें क्या वेरिएशन है, इस पॉइंट से हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर टॉपिक के साथ, जो कि है अपना इंट्रोडक्शन है कि हमारा जो ये बॉन्ड है वो होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बॉन्ड को समझना है काफ़ी आसान है, बॉन्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड से, सो लेट अस बिगिन विद गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे देखिए दोस्तों एक तरफ है हमारा पब्लिक, एक तरफ कौन है पब्लिक, और एक तरफ कौन है हमारे सरकार है, गवर्नमेंट है। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ समझिए गवर्नमेंट जो है पब्लिक को क्या दे रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही है। ऐसा करके बॉन्ड बेसिकली एक लेटर, इस तरह का एक आपका लेटर होता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है लोन ले रही है, गवर्नमेंट टेक लोन्स, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द पब्लिक, गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड। और पब्लिक को क्या मिल रहा है, पब्लिक को बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हाँ, तो इन रिटर्न क्या होगा, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, तो जो इन्वेस्टर यानी जो पब्लिक है, तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है दोस्तों, इन्वेस्टर अर्न इंटरेस्ट इनकम, उसको फायदा क्या होता है, जो इंटरेस्ट जो पैसा है वो फायदा होता है, ये पब्लिक का अर्निंग है। उसके बाद दोस्तों ये तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, सरकार से जनता की ओर। दोस्तों इसका रिवर्स डायरेक्शन में यदि आप देखें, पब्लिक से गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, तो दोस्तों पब्लिक से गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, तो पब्लिक से गवर्नमेंट को मिल रहा है मनी, ठीक है। पब्लिक से सरकार को क्या मिल रही है, पब्लिक क्या कर रही है, सरकार को पैसा दे रही है, और बदले में सरकार क्या कर रही है, पब्लिक को बॉन्ड दे रही है। तो यही एक साइकिल है, ठीक है, यही एक साइकिल है जो कि चलते रहता है। दोस्तों जो इंटरेस्ट इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने बोला ना कि जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट इनकम को अर्न करते हैं, तो जो इंटरेस्ट इनकम है उसका एक नाम है दोस्तों, द इंटरेस्ट इनकम दैट इन्वेस्टर रिसीव, तो जो इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टर रिसीव करते हैं उसका एक नाम है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं कूपन। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग कूपन, ये ध्यान रखिएगा। जो इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टर रिसीव कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं कूपन। इन्वेस्टर कौन है, हम या आप हैं, जिनसे जो मनी प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार को, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। और दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि नेशनल गवर्नमेंट इशू करती है, और वो कंट्री के ऑन करेंसी में होता है,
ठीक है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड का पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताया कि कंट्री का ऑन करेंसी में होता है, कंट्री ऑन करेंसी, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, ये 5 से लेकर 30 साल तक इशू किया जाता है, 5 to 30 years, ठीक है। मिनिमम ईयर है 5, मैक्सिमम ईयर है 30, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद एक और पॉइंट याद रखिएगा गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में कि हाँ, इसमें जो है ऑब्वियस बात है हम लोग मार्केट रिस्क होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब दोस्तों, एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सॉवरेन बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड समझ में आ गया? गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली वैसा बॉन्ड है जो कि सरकार ऑफर करती है पब्लिक को, और पब्लिक क्या करती है, सरकार को पैसा देती है, और इन रिटर्न पब्लिक को क्या मिलता है, तो पब्लिक को मिलता है दोस्तों इंटरेस्ट इनकम मिलता है, जिसे हम लोग कूपन कहते हैं। चलिए अब दोस्तों, एक टर्म है आपका सॉवरेन बॉन्ड, ठीक है। देखिए सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, सॉवरेन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि बॉन्ड इशू की जाती है, बॉन्ड इशूड बाय, तो बॉन्ड इशू कौन करता है, तो बॉन्ड इशू सरकार करती है, ठीक है। बॉन्ड कौन इशू करती है, नेशनल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, तो केंद्रीय सरकार है वो सॉवरेन बॉन्ड को इशू करती है, ठीक है। किस करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो मैंने आपको बॉन्ड बताया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो डोमेस्टिक करेंसी में होता है, गवर्नमेंट का अपना करेंसी में, कंट्रीज ऑन करेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉन्ड इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो इशू कर रही है बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड इशू हो रही है दोस्तों, ये हमारा फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब हम मैं आपके साथ कुछ नाम शेयर कर रहा हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनमें जो अपना अपना जो ये सिस्टम बना रखा है, ठीक है, तो उसका क्या क्या नाम है। तो दोस्तों देखिए, यदि बात करें US गवर्नमेंट बॉन्ड की, यदि हम लोग बात करें US गवर्नमेंट बॉन्ड की, तो इसे कहते हैं दोस्तों US ट्रेजरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। US गवर्नमेंट बॉन्ड को कहते हैं US ट्रेजरी कहते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड फ्रांस इशू करती है, बॉन्ड्स इशूड बाय फ्रांस इन यूरो, तो यूरो में फ्रांस जो बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग ओट्स, इसे क्या कहते हैं, OATS, इसका नाम रखा गया है, बॉन्ड इशूड बाय फ्रांस इन यूरो इज कॉल्ड ओट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है, जो हमारा UK का बॉन्ड होता है, यूनाइटेड किंगडम का जो बॉन्ड होता है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों गिल्ड्स। UK का बॉन्ड के बाद दोस्तों जो जर्मन का बॉन्ड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुंड्स। तो जर्मन के बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बुंड्स। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज हैं, और उनके जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनके कुछ नेम हैं, US का US ट्रेजरी, UK का गिल्ड्स, और जर्मन का बुंड्स, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। और एक और है दोस्तों, जो फ्रांस बॉन्ड इशू करती है यूरो में, उसे हम लोग कहते हैं यूरोस, उसे हम लोग कहते हैं ओट्स, ठीक है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि बॉन्ड कैसे वर्क करता है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं दोस्तों, वर्किंग ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड कैसे काम करता है दोस्तों, इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये है अपना इन्वेस्टर, ठीक है, तो इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टर ने कैपिटल दिया, ठीक है, कैपिटल दिया, पैसा दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टर का जो कैपिटल है उसे उसको उसको कहा जाता है, इज रिगार्डेड एज लोन। दोस्तों ये पैसा किसे मिलता है, ये पैसा मिलती है बॉन्ड इशूअर को, जिसने बॉन्ड जारी किया है। तो बॉन्ड जारी कौन करता है, सरकार करती है जनरली, ठीक है, सरकार करती है या कोई कंपनी कर सकती है बॉन्ड इशू, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब दोस्तों देखिए ये क्या हुआ, ये तो बॉन्ड, ये पैसा आया, ये कैपिटल जो है फ्लो हुआ इन्वेस्टर से लेकर गवर्नमेंट के प्रति। अब दोस्तों देखिए रिवर्स साइकिल में क्या होगा, रिवर्स साइकिल में सबसे पहले क्या होगा,
रिवर्स साइकिल में आपको यहाँ कूपन मिलेगा। ये हेयर यू विल गेट कूपन। और दोस्तों कूपन से फिर क्या मिलता है, कूपन से इन्वेस्टर को कूपन मिलता है। तो ये दोस्तों ये जो कूपन है इसमें जो बॉन्ड इशूअर है, बॉन्ड इशूअर कौन है, बॉन्ड इशूअर है अपना सरकार। तो बॉन्ड इशूअर क्या करती है, इंटरेस्ट रेगुलरली पे करती है। सो बॉन्ड इशूअर पेज इंटरेस्ट रेगुलरली टू इन्वेस्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये साइकिल है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि बॉन्ड कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इन्वेस्टर से कैपिटल गया बॉन्ड इशूअर के पास, बॉन्ड इशूअर ने रिटर्न में बॉन्ड को इशू किया, तो इंटरेस्ट जो है वो रेगुलरली इन्वेस्टर को पे करता है। ठीक है, जब मैच्योरिटी हो जाती है तो डेट का क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। ऑन मैच्योरिटी द डेट इज पेड। ठीक है, तो दोस्तों बोरोवर जो पैसा, समझिए यहाँ पे बोरोवर कौन है, जो खरीदार यानी सरकार, बोरोवर जो बॉन्ड होल्डर को पैसा देती है, ठीक है, उसे कहते हैं बॉन्ड का फेस वैल्यू या पार वैल्यू। कुछ टर्मिनोलॉजी से ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू याद रखिए या कभी कभी इसे पार वैल्यू भी कहा जाता है। तो दोनों का दोनों टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये वो पैसा है द बोरोवर पेज द बॉन्ड होल्डर द बोरोवर पेज द बॉन्ड होल्डर द बॉन्ड फेस वैल्यू और पार वैल्यू। तो जो बॉन्ड्स का फेस वैल्यू है वो क्या करता है, बोरोवर बॉन्ड होल्डर को पे करता है। ठीक है, अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए भारतीय सरकार है, वो क्या कर रही है, पैसा रेज कर रही है। ठीक है, और 6% कूपन है, समझिए बात को, 6% रेट पे कूपन को दे रही है। उसको क्या करना है, पैसा रेज करना है भारतीय सरकार को। 2025 का मैच्योरिटी है, देखिए काम का चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 6% कूपन रेट है, 2025 का बॉन्ड्स का मैच्योरिटी है। ठीक है, और ये ट्रेजरी बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड समझ में आ गया। ट्रेजरी बॉन्ड मैंने आपको बताया था ये US गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसे ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप, और उसका फेस वैल्यू दिया हुआ है, हर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है, ईच बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। आपने क्या किया, उस बॉन्ड को परचेज किया ₹1010.77 में। ठीक है, तो आपका परचेजिंग प्राइस दिया हुआ है दोस्तों 1077 परचेजिंग प्राइस दे रखा है इसमें 1010.77 रुपीस। ठीक है, आपको क्या करना है, कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू ड्रॉ द कैश फ्लो डायग्राम। ठीक है, अब दोस्तों कैश फ्लो डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब पढ़ा था तो मैं आपको कैश फ्लो डायग्राम बनाना सिखाया था, याद कीजिएगा दोस्तों। यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले इस वीडियो को एक बार देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ दोस्तों कैश फ्लो डायग्राम कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन समझ में आया आपको, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इशू किया जिसका कूपन रेट है 6%, 2025 से मैच्योर होगा, फेस वैल्यू दिया रहा है 1000, परचेजिंग प्राइस दे रखा है ₹1010.77। आपको इसका कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो दोस्तों कैश फ्लो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा एक कैश फ्लो लाइन होगा। ठीक है, ये लाइन है, ये टाइम लाइन है। ठीक है, और इस टाइम लाइन में हम ईयर को शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, ईयर को, मतलब साल को शो कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है अपना, यहाँ पे रुपीज़ होगा। ठीक है, इस जगह पे रुपीज़ होगा, कितना होगा रुपीज़, 1010.77। ठीक है, ये हमारा रुपीज़ है, परचेजिंग प्राइस है, परचेजिंग प्राइस कितना है 1010.77। ठीक है, ये मान लीजिए 2022 अभी चल रहा है, अभी हमारा है ट्रांजेक्शन। देखिए 2023 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 2023 को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2024 को शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 2025 को शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2025 को मैं शो कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप ये बताइए कि कूपन वैल्यू पहले निकालिए, कूपन वैल्यू कैसे निकलेगा, आप कूपन वैल्यू बताइए कैसे निकलेगा।
तो कूपन वैल्यू बेसिकली कैसे निकलेगा, तो कूपन वैल्यू है कितना, 6%। आप दोस्तों प्रश्न उठता है 6% किसका, तो दोस्तों याद रखिएगा 6% फेस वैल्यू का, तो 6% ऑफ 1000, 6% ऑफ 1000 कितना मिलेगा, 60 मिलेगा ना। तो दोस्तों ये जो कूपन अमाउंट है जिसे हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कहते हैं, ये हर एक ईयर मिलता है, ठीक है। तो देखिए 2023 में मिलेगा, 2024 में मिलेगा, 2025 में मिलेगा, तो ये 60 यहाँ मिला, 60 यहाँ मिला, और यहाँ भी 60 मिला हमें, ठीक है। तो ये 60 क्या है, कूपन अमाउंट है जो कि हमें हर एक साल मिल रहा है, क्लियर है आपको, या कूपन वैल्यू आप कह सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक और चीज़ है कि जब लास्ट पेमेंट होगा 2025 का, तो उसमें 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो फेस वैल्यू था वो भी मिल जाएगा। तो फेस वैल्यू कितना है हमारा, 1000, तो 1000 मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। 23 में 60 रुपये मिला, 24 में 60 रुपये मिला, लेकिन 25 में 1060 रुपये मिला। ये 1000 कहाँ से आया, तो ये 1000 दोस्तों फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 1000 फेस वैल्यू है किसका, उस पर्टिकुलर बॉन्ड का। तो दोस्तों यही इसे हम लोग कहते हैं क्या, कैश फ्लो डायग्राम, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कैश फ्लो डायग्राम। अब दोस्तों इस कैश फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि समझिए, आप इसी को समझने का प्रयास कीजिए। हमसे क्वेश्चन है, कैश फ्लो डायग्राम हमने बना लिया, अब क्या कीजिए, अब आप इस इन सभी डाटा का यूज करके अब आप जितने भी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। क्या करना है आपको, जो भी कैश फ्लो का जो स्ट्रीम तो दिख गया आपको, ठीक है, तो इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, देखिए काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले देखिए, यदि आपको 2023 से 2022 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ, ये 2023 है, समझने का प्रयास कीजिएगा, 2023 से 2022 का प्रेजेंट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1+r से, ठीक है, यानी 1/1+r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम लोग डिस्काउंटिंग भी कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। फिर देखिए 2024 से 2022 में आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर याद है क्या होता था, 1/1+r/n, एन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 1/1+r2, ठीक है। यदि हम बात करें थर्ड ईयर की, जो कि हमारा 2025 है, और 2025 से हम 2022 में आना चाहें, तो 2025 से यदि हम लोग 2022 में आना चाहें, देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ आएंगे, तो दोस्तों यहाँ क्या अंतर होगा, ये हो जाएगा 1/1+r^3, क्योंकि 3 साल का ही तो गैप है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि यहाँ पे एक डैश ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि x निकला प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों x क्या है, x यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकला x का बताइए, तो दोस्तों x का फॉर्मूला निकला 1/1+r^3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो r है, इस r को क्या कहते हैं, इस r को हम लोग कहते हैं yield to maturity। अब ये yield to maturity क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, अभी फिलहाल आप ये समझिए, इस r को कहते हैं हम लोग yield to maturity, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, समझिए का प्रयास कीजिए कि ये जो x है वो क्या है हमारा, x है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज एक्स, एक्स के एक्स इज व्हाट, एक्स इज प्रेजेंट वैल्यू, और ये क्या है हमारा, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार से हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं, आर है हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी। चलिए अब मैं आपको बॉन्ड ट्रेड का एक सैंपल बताता हूँ, आप बॉन्ड ट्रेड का एक सैंपल आप देख सकते हैं दोस्तों, बॉन्ड ट्रेड का मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि कैसा आपको दिखता है बॉन्ड ट्रेड। कोई पार्टिकुलर बॉन्ड आपको यदि मार्केट में, आपको यदि बॉन्ड मार्केट में यदि बॉन्ड देखना है तो वो आपको कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप अपना बुक लीजिए, मैकमिलन का बुक लीजिए, और मैकमिलन बुक का पेज नंबर आप 211 निकालिए दोस्तों, पेज नंबर 211 में आपके पास बॉन्ड ट्रेड का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसे ही समझाना चाह, 2010 में दिया हुआ है दोस्तों, पेज नंबर 2210 में,
210 पेज नंबर निकाली, उसमें आपको एक बॉन्ड बॉन्ड का आपको एक एक डाटा दे रखा है। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए सैंपल और बॉन्ड रेट। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये जो पार्टिकुलर टेबल है इसमें आप देखिए एक कॉलम बना हुआ है बॉन्ड डिटेल का, जीएस 2019, जीएस 2020, जीएस 2028। तो 2019, 2020, 2028 तीन साल के लिए लिया गया है बॉन्ड डिटेल का। उसके बाद देखिए कूपन रेट, देखिए कूपन रेट पहला किस में दिया हुआ है 6.57, दूसरा किस में दिया हुआ है 7.50, तीसरा किस में दिया हुआ है 6.35। इसका मतलब समझ में आता है ना आपको, यदि कूपन रेट परसेंटेज में दिया हुआ है तो यहाँ से आप कूपन अमाउंट निकाल सकते हैं, कूपन अमाउंट को आप इंटरेस्ट इनकम भी कर सकते हैं, यानी जो भी बॉन्ड इन्वेस्टर है उसको प्रत्येक साल कितना पैसा मिल रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका फेस वैल्यू है 1000, तो 6.57% ऑफ 1000, तो जो भी फेस वैल्यू रहे उसका आप कूपन अमाउंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके दोस्तों प्राइस दिया हुआ है, तो बॉन्ड का अपना एक प्राइस होता है, हम लोग प्राइस के बारे में आगे बात करेंगे, बॉन्ड प्राइस का मीनिंग क्या होता है। आज के डेट में बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है 2019 में बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है 101, 2020 में दिया हुआ है 101, और 2018 में देखिए कम ओके हो गया 91.18। तो यही हमारा बॉन्ड के प्राइस का फ्लक्चुएशन। और लास्ट कॉलम है अपना वाई टी एम क्या होता है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, वाई टी एम को अच्छे से समझना है, वाई टी एम और कूपन परसेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये आपको मैंने एक सैंपल बता दिया, ऐसा दिखता है हमारा बॉन्ड का सिचुएशन हमारे मार्केट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों बॉन्ड प्राइस को अच्छे से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक बॉन्ड प्राइस। दोस्तों बॉन्ड प्राइस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस एग्जांपल को मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूं दोस्तों, बॉन्ड का प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, हाउ डू वी कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस। तो दोस्तों मान लीजिए कि 6% का एक ट्रेजरी बॉन्ड है, ठीक है, 6% उसका कूपन होगा, ठीक है, कूपन रेट दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज़, ठीक है। और दोस्तों 3 ईयर का मैच्योरिटी है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर, और दोस्तों रिटर्न यील्ड ऑन द यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि जो रिटर्न है या YTM कहते हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है आगे देखेंगे, अभी फिलहाल मान लीजिए एक ही है। तो रिटर्न या YTM दिया हुआ है 5.6%, ठीक है। आपसे पूछा गया है हाउ मच प्राइस यू विल हैव टू पे टू बाय दिस बॉन्ड, तो क्वेश्चन है हाउ मच प्राइस टू बाय दिस बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय सॉल्व करते हैं एक एक पॉइंट को समझते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले कैश फ्लो डायग्राम बनाइए, कैश फ्लो डायग्राम सबसे इफेक्टिव टूल है चीज़ों को समझने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा ईयर का है, तो ईयर में देखिए 3 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा एक चीज़ आप नोटिस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं एरो दिखा रहा हूँ वो एक नीचे दिखा रहा हूँ और तीन ऊपर दिखा रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न उठेगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ ये हमारा इनकम है, किसका इनकम है, तो जो जिसने बॉन्ड को परचेज किया है उसका इनकम है, और जो चीज़ मैं नीचे दिखा रहा हूँ ये उसका क्या एक्सपेंडिचर है। दोस्तों देखिए, उसे सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो कितना पैसा देना, क्या कितना पैसा वो दे रहा है, ठीक है, तो वही तो हमें निकालना है, हाउ मच प्राइस टू बाय दिस बॉन्ड। तो आप मान लीजिए इस बॉन्ड को खरीदना चाह रहे हैं तो कितना प्राइस देना पड़ेगा, इसीलिए मान लीजिए अननोन है, पी है हमारा, ये हमें देना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इस लाइन के नीचे शो कर रहे हैं, जो नेगेटिव है उसे नीचे, जो पॉजिटिव है उसे ऊपर। और दोस्तों हमें मिलेगा कितना बताइए, तो फेस वैल्यू दिया हुआ है 100, कूपन रेट दिया हुआ है 6%, तो कूपन अमाउंट निकाल सकते हैं ना आप, कूपन अमाउंट कैसे निकालिएगा, 6% निकाल लीजिए 100 का, तो 100 का 6% निकालिएगा तो ₹6 मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए, कूपन जो है 6 यहाँ मिला, 6 यहाँ मिला और 6 यहाँ मिला, लेकिन ये तो हमारा सही है, ये तो क्लियर है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है, वाट यू हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट पी। लेकिन एक और बात है दोस्तों, जो सबसे लास्ट वाला हमारा टाइम रहेगा उसमें कूपन तो मिलेगा ही मिलेगा, कूपन के अलावा और क्या मिलेगा बताइए, तो कूपन के अलावा जो आपका जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है वो भी मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 तो मिलेगा ही प्लस 100 भी मिलेगा। अब दोस्तों आपको इसका यदि ये निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालिएगा बताइए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस पहले 6 का निकालिए प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इस 6 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो दोस्तों 6 को निकालिएगा 6/1+r, ठीक है, फिर इसका निकालिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, 6/1+r का होल स्क्वायर,
और दोस्तों लास्ट का जो कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो वो आपको मिलेगा 6/1 + r का होल क्यूब, लेकिन ये 106 हो जाएगा। क्यों 106 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 भी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 106। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इस कैश फ्लो का, कैश फ्लो के डायग्राम की सहायता से। अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि आर ले तो क्या लें, तो दोस्तों आर आपको लेना है 5.6%, जो कि हमारा रिटर्न, ठीक है, कूपन रेट का काम है कूपन निकालने के लिए, लेकिन जो रिटर्न है वो हम लोग लेंगे जब हम लोग आर को कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों आइए जरा हम लोग पी निकालते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला निकला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मिला आपको 6/1 + 0.056 पहला, उसके बाद 6/1 + 0.056 का स्क्वायर प्लस 106/1 + 0.056 का क्यूब। तो दोस्तों यदि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 101.077। तो ये तरीका है हमें बॉन्ड प्राइस को कैलकुलेट करने का, समझ में आया, कैसे भी कितना प्राइस हमें लगेगा उस बॉन्ड को खरीदने में आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे निकालते हैं, क्या करना है, ये आपको स्टेप समझ में आ गया। चलिए इसका एक मैं अल्टरनेट मेथड भी बताता हूँ, यदि सेम कैलकुलेशन आप एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट अल्टरनेटली। अब कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, आप जरा इस कैश फ्लो डायग्राम को अच्छे से देखिए। कैश फ्लो डायग्राम को आप यदि ठीक से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिए हर एक साल का जो आपका हर एक साल आपको कितना का, ये देखिए पहले साल आपको 6 रुपीज मिला, ठीक है, कूपन अमाउंट के रूप में 6 रुपीज़ मिला, दूसरे साल आपको 6 रुपीज़ मिला और तीसरे साल भी आपको 6 रुपीज़ मिला। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये एक तरह का एन्यूटी है, एन्यूटी भी तो क्या होता है, पीरियडिकल कैश फ्लो होता है, मतलब हर एक पीरियड में हर एक साल में आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। और दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि यदि कोई पीरियडिकल कैश फ्लो होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद है फॉर्मूला आपको, तो याद तो होगा ये आपको। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला याद है ना, a/r अंडर ब्रैकेट 1+r होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 1+r होल टू द पावर n, याद है ये फॉर्मूला हमारा एन्यूटी का फेयर वैल्यू निकालने का हुआ करता था, ठीक है। और दोस्तों इसमें इतना तो है ही, लेकिन ये जो 100 है जो फेस वैल्यू है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू का फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100/1+r का होल टू द पावर n, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक जगह क्या पुट कीजिएगा, एक जगह पुट कर दीजिए आप 6, आर की जगह क्या पुटिएगा 0.056, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1.056 टू द एन, एन कितना है हमारा 3 है -1, और ये हो जाएगा 1.056 टू द पावर 3, ठीक है। अब दोस्तों अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 100/1.056 टू द पावर 3, इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 101.077। तो दोस्तों आपके पास दोनों मेथड है, आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू दिस आइदर यूजिंग एन्यूटी फार्मूला और यू कैन डू दिस यूजिंग, आप उसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं और एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ कि कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है। दोनों मेथड में आपको मैंने आपको बता दिया कि देयर आर टू मेथड्स। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में क्वेश्चन से ही कंसेप्ट को क्लियर करना है तो वो ज़्यादा अच्छा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू दिया हुआ है, पार वैल्यू कितना है 1000, ठीक है, कूपन रेट कितना है 12%, मैं ऐसे नोट करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आइए। तो देखिए दोस्तों पार वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो मैं लिखता हूँ फेस वैल्यू दिया हुआ है, इससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस मेथड को, आपको मैंने दो मेथड बताया, कब किस मेथड को यूज करना है, आइए जरा समझते हैं जिससे मेरा काम आसान हो। फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, ठीक है, कूपन रेट दिया हुआ है, कूपन रेट कितना दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है दोस्तों 12% दिया हुआ है, मैच्योरिटी टाइम दिया हुआ है हमें 3 साल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि हैज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड इज 10%। देखिए एक और चीज दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ROR रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है। चलिए ये चार डाटा दी गई है हमसे, हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस बॉन्ड का वैल्यू कितना है, इस बॉन्ड का प्राइस कितना है। चलिए अब दोस्तों ये चार डाटा आपको दी गई है, अब सबका सिंबल आप इसके CR से डिनोट कर दीजिए। देखिए इसे आप क्या कीजिए, CR से डिनोट कर दीजिए, ये आप टाइम हो गया T,
ठीक है, ये ROR कभी कभी R से भी डिनोट करते हैं इसे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, कूपन अमाउंट निकालिए। कूपन अमाउंट कैसे निकालिएगा, तो कूपन अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि FV इंटू CR कीजिए, फेस वैल्यू इंटू CR कीजिए। तो 12% ऑफ 1000 निकालिए, 12% ऑफ 1000 यदि निकालेंगे अब कितना मिलेगा बताइए, 120 मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग दो मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहला मेथड है PVIF और PVIFA फॉर्मूला, ठीक है, इसके यूज करके। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में एक मेथड है हमारा PVIF एंड PVIFA फॉर्मूला। PVIF समझते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर इंटरेस्ट फैक्टर, हम लोग डिस्कस किए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। और दूसरा तरीका है हमारा NUT, ठीक है, यूजिंग बॉन्ड प्राइस फॉर्मूला। तो बॉन्ड प्राइस का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला कैसा होता है। दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू 1/1 + R होल्ड टू द पावर टी अंडर ब्रैकेट कूपन इनटू 1 + R होल्ड टू द पावर टी -1/R प्लस फेस वैल्यू। तो ये बॉन्ड प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, ठीक है, एक तो मैंने आपको PVIFA और PVIF इसके ये फॉर्मूला यूज करना है, एक यूज करना है, कब किसको यूज करना है जरा समझते हैं। समझिए, मान लीजिए कि PVIF और PVIFA आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में, पढ़िएगा तो दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मेथड नंबर पहला है उसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आसान हो जाता है ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट एक बार और ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि PVIF और PVIFA नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मेथड बी को यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ है उस पर यूज करना है। ठीक है, तो देखिए अब मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा कि बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूले को याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए बॉन्ड प्राइस को यही पार्टिकुलर फॉर्मूले से हम लोग बॉन्ड प्राइस मैक्सिमम टाइम निकालते हैं, क्योंकि आपको बार बार PVIF और PVIFA टेबल को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का टेबल होता है अपना, ना बुक में देखना पड़ेगा ना एग्जाम में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। अब जरा मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं कि दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए सबसे पहले मेथड नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर 1 है अपना PVIF और PVIFA का फॉर्मूले को यूज करके। तो दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से। सबसे पहली बात कि बॉन्ड प्राइस आपको निकालना है ना, ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया ना, अभी जो आपको मैंने टाइमलाइन वाला बताया था बस उसे ही यूज कीजिए। देखिए फेस वैल्यू कितना है 1000, कूपन अमाउंट कितना है 12%। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए आपका पहला साल है, यहाँ दूसरा साल है, यहाँ पे यहाँ देखिए जीरो हो गया, ये यहाँ से पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ नीचे लिखेंगे जो चीज़ हमें, नीचे क्या लिखेंगे, जो चीज़ मेरा एक्सपेंडिचर है, इसको मैं फिर से नीचे थोड़ा बनाता हूँ, यहाँ सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट है 1 साल 2 साल और 3 साल। तो नीचे हमारा क्या है प्रेजेंट जो हमारा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, तो कोई हमसे क्वेश्चन तो वही तो पूछ रहा है बॉन्ड प्राइस निकालने के लिए। हाँ, कूपन अमाउंट कितना मिल रहा है हमें, तो कूपन अमाउंट 120 यहाँ मिला, 120 यहाँ मिला और 120 यहाँ मिला, लेकिन यहाँ पर हमें फेस वैल्यू भी मिला, कितना मिला 1000 मिला ना, ठीक है। तो दोस्तों PVIF देखिए ये होता क्या है, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि बॉन्ड प्राइस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, आप जो कूपन अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं PVIFA 10% और 3 साल के लिए, याद है ये इसका टेबल होता है, इसे आप डायरेक्टली PVIFA निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लस FV कितना है हमारा फेस वैल्यू इंटू PVIF प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर, ये एन्यूटी है, इस एन्यूटी होता है, ठीक है, PV इम्पैक्ट फैक्टर 10% 3, ठीक है। अब दोस्तों आपको टेबल यूज करना है, टेबल यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है वैल्यू, तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इसको आप। तो कूपन अमाउंट कितना है हमारा 120 है, और इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, इसका वैल्यू आएगा 2.487। FV कितना है हमारा, फेस वैल्यू है 1000, और इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 0.751, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 1049.44। समझ में आया कि कैसे हम लोग PVIFA या PVIF को यूज करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि ये PVIFA और PVIF को कैसे निकालें, ठीक है। तो दोस्तों PVIFA और PVIF निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है याद है आपको, PVIF निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/1 + R होल टू द पावर n, और PVIFA निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1 + R होल टू द पावर t माइनस, इसको t लिख दीजिए, n की जगह t कर दीजिए, माइनस कैपिटल t माइनस 1,
अंडर ब्रैकेट आर इंटू वन प्लस आर होल टू द पावर टी। तो इसे आप लोग पीवीआईएफ और पीवीआईएफ ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये दो फॉर्मूला है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे इस केस में, आर के जगह पुट कर दीजिए 10%, ठीक है, टी के जगह पुट कर दीजिए 3 साल, ठीक है। तो आपको पी वी आई एफ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/1.10^3, ये मिल जाएगा कितना, 0.751। और यदि सेम चीज़ काम इसमें कीजिएगा, आर की जगह पुट कीजिए 10% और टी की जगह पुट कीजिए 3, तो पी वी आई एफ आपको मिल जाएगा 2.487, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको कैलकुलेटर है आपके पास और पिन है, तो आप आसानी से पी वी आई एफ और पी वी आई एफ निकाल सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। टेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आसानी से यूज कर लीजिए उसे। अब जरा मेथड टू को यूज करते हैं। तो मेथड टू में क्या है, मेथड टू में क्या कर रहा है, मेथड टू में सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। मेथड टू में फॉर्मूला है बॉन्ड प्राइस निकालने के लिए, 1/1+r^t अंडर ब्रैकेट कूपन इंटू 1+r^t-1/r प्लस फेस वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों बताइए आर कितना है हमारा, आर है, अब आर है इस केस में 10%, यानी 0.1 हो जाएगा, टी है 3, कूपन है 120 इंटू 1.1^3-1/r है 0.1 प्लस फेस वैल्यू कितना है दोस्तों, फेस वैल्यू है 1000। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, आंसर आपका सेम आएगा। इससे भी आप निकालिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो दोस्तों आपको वो आंसर मिलेगा 1049.44, ठीक है। तो देर आर टू मेथड्स, चलिए, तो दोनों का मेथड्स इक्वली सिंपल है और आसानी से समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को पी वी आई एफ या पी वी आई एफ टेबल के बिना भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, बॉन्ड प्राइस से समझ में आया कि बॉन्ड प्राइस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड है हमारे पास। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया। मान लीजिए कि हाफ ईयरली रहे तो क्या कीजिएगा, तो यदि मान लीजिए कि हाफ ईयरली रहे तो आपको इंटरेस्ट रेट को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली में क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है, आइए जरा देखते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। तो हेडिंग देते हैं हम लोग बॉन्ड प्राइस एंड, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको कंसेप्ट के द्वारा समझाऊंगा कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मान लीजिए 3 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, कूपन रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। और देखिए ये कूपन रेट है और जो अपना रेट ऑफ रिटर्न है इंटरेस्ट रेट से कहते हैं, वो 3 केस है। पहले में दिया हुआ है आपका 5.6%, दूसरे में दिया हुआ है आपका 6% और तीसरे में दिया हुआ है आपका 10%। ये तीनों अलग केस है। अब क्या करना है, इन तीनों के लिए आपको बॉन्ड प्राइस निकालना है, पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए, तीसरे केस के लिए। मैंने आपको 3 आर दिया है तो तीनों के लिए आप बॉन्ड प्राइस निकाल सकते हैं ना, आइए निकालते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये सबसे आसान मेथड है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको 3 साल का रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न कितना मिलेगा, 10% निकाल लीजिए 1000 का, यानी कितना हो जाएगा 100, ये भी 100 और ये भी कितना हो जाएगा 100, लेकिन इसमें फेस वैल्यू भी मिलेगा यानी 1000 हो जाएगा। चलिए आप फिर पी वी निकालिए, तो पी वी का फॉर्मूला क्या है आपका बताइए। तो दोस्तों पी वी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो है अपना 60/ यहाँ पे आर, आप पहले केस में आप आर कितना ले रहे हैं, 5.6% ले रहे हैं ना। एक काम कीजिए, कूपन रेट को 10% की जगह आप 6% ले लीजिए, कितना ले लीजिए 6%। मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ 10% लिया, इसको मैं 6% ले रहा हूँ, ठीक है। तो 6% लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 100 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60+1000। चलिए अब दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, फिर इसका निकालिए और फिर इसका निकालिए। तो 60/ कितना हो जाएगा, 60/ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.6 है ना, तो 1.056 प्लस 60/1.056 का स्क्वायर प्लस 1060/1.056 का क्यूब। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वैल्यू, तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1010.77, ठीक है। तो ये पहला केस था जब आर का वैल्यू कितना था, 0.5.6।
आर का वैल्यू कितना लिया है हमने, 5.6 लिया है। अब दूसरा केस पे आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों सेकंड केस हम लोग लेते हैं, आर का वैल्यू 6 लेते हैं, आर कितना लेते हैं 6 लेते हैं। तो फिर से ये टेबल बनाइए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी वी, ये 6 लेंगे तो ये तो 60 ही रहेगा, ये भी 60 ही रहेगा और ये भी 1060 ही रहेगा, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है 6% हो रहा है। तो पी वी कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 1.06 प्लस 6 अपॉन 1.06 का स्क्वायर प्लस 1060 अपॉन 1.06 का क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1000, कितना मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। चलिए ये दूसरा केस हो गया, अब तीसरा केस लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं, आर का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10%। तो दोस्तों सेम चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 6 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 1.10 प्लस 6 अपॉन 1.10 का स्क्वायर प्लस 1060 अपॉन 1.06 का क्यूब, अपॉन कितना हो जाएगा 1.06 का क्यूब, सॉरी 1.10 का क्यूब, नॉट 1.06, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 1.10, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 900.55। अब दोस्तों जरा देखिए, आप यहाँ से नोटिस कीजिए जो काम का चीज़ है वो आप देखिए यहाँ पे। अब देखिए जब आपका आर का वैल्यू है 5.6, आर का यानी रेट ऑफ रिटर्न है 5.6, तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना मिल रहा है 1010। जब आर 6 हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू कितना मिला 1000, आर यदि 10 हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू कितना मिला 900। अब देखिए जरा जैसे जैसे आप इधर नीचे आ रहे हैं तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है बताइए, आर यदि आप नीचे आ रहे हैं ऐसे ऐसे तो आर का वैल्यू बढ़ रहा है ना, ठीक है। और आप इधर देखिए, पहले था ज़्यादा पहले फिर कम हुआ, तो इधर देखिए तो इधर क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आर का वैल्यू एक तरफ बढ़ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा घट रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर से, फंक्शन ऑफ आर से, आर से डायरेक्टली नहीं है तो फंक्शन ऑफ आर है कि नहीं है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, मैंने आपको एग्जाम्पल के सही समझा दिया, इन्वर्स रिलेशनशिप है प्रेजेंट वैल्यू में और किस चीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो इफेक्ट पड़ता ही है बॉन्ड के प्राइस पे, ये तो आपको दिख ही गया, ठीक है। तो देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ ट्रेडिंग बॉन्ड, देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ ट्रेडिंग बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड, तो जो रिस्क एसोसिएटेड होता है ट्रेडिंग बॉन्ड के साथ उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए, इस तरह के पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिसे मैंने जितने भी पॉइंट्स में समझा रहा हूँ सभी का पीडीएफ है, तो आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। इस पीडीएफ में सभी पॉइंट दिए गए हैं जो कि मैंने आपके मैकमिलन बुक से और अपनी मेहनत के साथ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। जिन लोगों को इस तरह के पीडीएफ और भी चैप्टर की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप नीचे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर, मैं आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये पेड पीडीएफ है, पेड मेंबर को मिलेगा। डिटेल जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इस तरह का पीडीएफ और भी प्रोवाइड करूँगा। यदि आप खुद से नोट प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमने क्या देखा, इंटरेस्ट रेट रिस्क वैसा रिस्क होता है जो कि बॉन्ड के ट्रेडिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, और मैंने और हमने क्या देखा, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसी बीच इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट, सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्योंकि है अपना करेंट यील्ड, हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते जा रहे हैं कि क्या कंसेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों जो कि है अपना क्या है, करेंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड। तो किसी बॉन्ड का करेंट यील्ड का क्या मतलब है, आइए जरा समझते हैं।
तो दोस्तों करेंट यील्ड का मतलब क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। हाउ मच परसेंटेज, या मैं लिख ही देता हूँ, हाउ मच परसेंटेज इज द एनुअल इनकम ऑफ द बॉन्ड प्राइस। मतलब हमारा देखिए बॉन्ड में हमको हर एक साल इनकम मिलता है ना, जैसे कूपन के रूप में मिलता है, ठीक है। तो वो जो कूपन अमाउंट है वो हमारा बॉन्ड प्राइस का कितना परसेंटेज है, वही होता है हमारा करंट यील्ड। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एग्जांपल आपके सामने है, देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ 3 ईयर बॉन्ड इज 1136.16। अब देखिए ये डाटा दिया गया है, तो हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है यानी बॉन्ड प्राइस दिया हुआ है। बॉन्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 1136.16 इतना रुपीज़ है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि 3 ईयर का बॉन्ड है, यानी टाइम दिया हुआ है हमें 3 ईयर। चलिए और क्या दिया हुआ है, देखिए फेस वैल्यू इज 1000, कूपन रेट इज 10%। चलिए ठीक है, फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना हमें 1000, एफ बी दिया हुआ है 1000, और कूपन रेट जो है वो कितना है हमारा, कूपन रेट है 10%। हमें कैश फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करना है और करंट यील्ड निकालना है, दो चीज़ करना है। तो दोस्तों कैश फ्लो डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, कैसे ड्रॉ करें कैश फ्लो डायग्राम, तो दोस्तों देखिए नीचे हमारा बॉन्ड का प्राइस है कितना है, 1136.16, ठीक है। ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 10% ऑफ से ये हो जाएगा 100, फिर ये भी हो जाएगा 100, और फिर ये भी हो जाएगा 100, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, ये 100 100 100 है, लेकिन क्या है लास्ट में 1000 भी जुड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो है फेस वैल्यू का ही पेमेंट होता है, तो ये हो जाएगा 1100। दिस इज क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, करंट यील्ड, कैश फ्लो डायग्राम तो हमने बना लिया, अब करंट यील्ड कैसे निकालें। तो करंट यील्ड निकालने के लिए क्या करना है कि करंट यील्ड निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। करंट यील्ड कैसे निकालते हैं बताइए, करंट यील्ड निकालते हैं एनुअल इनकम जो है बॉन्ड प्राइस का कितना परसेंटेज है। एनुअल इनकम कितना है हमारा, तो एनुअल इनकम है दोस्तों हमारा 100, एनुअल इनकम है हमारा 100, ठीक है। और दोस्तों हमारा यदि बात करें कि ये जो 100 है वो बॉन्ड का प्राइस कितना है, 1136, इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, यही तो पूछा गया है ना, ठीक है। तो इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 8.8%, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, करंट यील्ड। करंट यील्ड के लिए क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में लिखना है एनुअल इनकम, डिनोमिनेटर में लिखना है प्राइस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड प्राइस, और इसका परसेंटेज निकाल लेना है, तो आपको करंट यील्ड मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि इसी ऊपर वाले बॉन्ड का आपको YTM निकालना है, ठीक है, इस बॉन्ड का YTM निकालना है, लेकिन YTM निकालने के लिए आपको मान लीजिए कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है 1000, मार्केट प्राइस कितना है 1000 है, ठीक है, समझिए बात को, सेम बॉन्ड है, ठीक है, बस ये चेंज हो गया, जो बॉन्ड प्राइस है वो अब 1136 की जगह कितना हो गया, 1000 हो गया, टाइम 3 साल है, फेस वैल्यू 1000 है, और कूपन रेट भी हमारा कितना है 10%। तो दोस्तों आप बताइए, यदि आप मार्केट प्राइस को 1000 लेंगे और आप यदि रेट ऑफ रिटर्न को निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आप लिख देंगे 1000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ क्या लिखेंगे, उसके यहाँ लिखेंगे आप 100 upon 1+r + 100 upon 1+r² +1100 + 1/1+r³, ठीक है। यदि आप इस डाटा से R निकालना चाहें, इन डाटा से दोस्तों आपको R मिल जाएगा 10%। R कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, 10% मिल जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे CR कितना दिया हुआ है हमें, कूपन रेट 10% है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है यार हमारा क्या है, यार हमारा YTM, YTM क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल आप यील्ड टू मैच्योरिटी समझिए या फिर आप रेट ऑफ रिटर्न समझिए, दोनों में अंतर होता है हम लोग आगे देखेंगे। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, YTM इज इक्वल टू कूपन रेट इफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये समझिए, YTM और कूपन रेट बराबर होता है जब फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस क्या होता है, समझ रहे बात को, YTM और CR बराबर कब होगा, जब फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस क्या होता है, बराबर होता है। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैलकुलेशन में काम आएगा, जब YTM हम लोग निकालेंगे ना तब ये चीज़ काम आएगा, इसलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं फिर से अगले स्लाइड में लिख रहा हूँ दोस्तों, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक टेबल बनाइए,
एक टेबल बनाइए यहाँ पे साइड में, ठीक है, और उसको नोट करते जाइए। टेबल इस प्रकार बनाइए कि एक तरफ लिखिए YTM और एक तरफ लिखिए आपका YTM और क्या है करंट यील्ड, ठीक है, एक तरफ लिखिए YTM और एक तरफ लिखिए YTM एक तरफ लिखिए करंट यील्ड। देखिए पहला केस क्या क्या देखा हमने, YTM यदि हमारा करंट यील्ड के बराबर हो, करंट यील्ड कितना निकला था पिछले केस में याद है, करंट यील्ड जो निकला था वो हमारा निकला था 10%। तो YTM करंट यील्ड के बराबर कब होगा कि जब फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो, चलिए। उसके बाद दोस्तों देखिए कोई भी बॉन्ड जो कि अपने फेस वैल्यू के ऊपर प्राइसिंग होता है उसे हम लोग प्रीमियम पे कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉन्ड है उसका अपना एक, हर एक बॉन्ड का अपना फेस वैल्यू है, एवरी बॉन्ड हैज इट फेस वैल्यू। तो कोई भी बॉन्ड यदि अपने फेस वैल्यू के ऊपर प्राइसिंग किया हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम। तो जो इन्वेस्टर हैं वो उस बॉन्ड को खरीदते हैं प्रीमियम पे, वो कैपिटल लॉस को फेस करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई बॉन्ड है जो कि प्राइज्ड है एवव इट्स फेस वैल्यू, कोई बॉन्ड है जिसका प्राइस जो है उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो बायर होते हैं, जो बॉन्ड के बायर होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल लॉस फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो कैपिटल लॉस फेस, ऑब्वियस ही बात है, आप खुद सोचिए ना कि फेस वैल्यू है और उसके ऊपर प्राइसिंग हो रहा है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो कैपिटल लॉस तो फेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी कारण क्या होता है कि कैपिटल लॉस तो फेस करते हैं, इसी कारण जो रिटर्न होता है इन बॉन्ड्स पे तो जो रिटर्न होता है इन बॉन्ड्स पे इज लेस होता है, इज लेस देन बॉन्ड्स करंट यील्ड, ठीक है। तो बॉन्ड्स का जो करंट यील्ड है उससे कम होता है रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसका उल्टा कोई बॉन्ड मान लीजिए वो अपना फेस वैल्यू से कम प्राइस है तो डिस्काउंट पे कहलाता है, तो बॉन्ड का जो प्राइसिंग है वो बिलो है, बिलो इट्स फेस वैल्यू। तो यदि बॉन्ड का प्राइसिंग कम है फेस वैल्यू से तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए जो बायर है वो क्या करता है, वो कैपिटल गेन फेस करता है, और कैपिटल गेन के कारण क्या होता है, जो रिटर्न होता है इस बॉन्ड पे वो ज्यादा होता है करंट यील्ड से, ठीक है। तो ये दो रिलेशनशिप ध्यान रखना है कि बॉन्ड का प्राइस जो है वो हमारे फेस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, यदि ज़्यादा है तो हमारा रिटर्न जो होगा वो करंट यील्ड से कम होगा, और यदि कम है तो रिटर्न जो होगा वो करंट यील्ड से ज़्यादा होगा। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, इसको मतलब यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ना, आप यहाँ देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ बताइए इस केस में देखिए 1136 क्या है मार्केट प्राइस है और 1000 क्या था इसका बताइए, तो 1136 का मार्केट प्राइस है और 1000 जो है इसका आपका फेस वैल्यू है, तो कौन ज़्यादा है यहाँ पे, 1136 ज़्यादा है ना, ठीक है, तो 1136 ज़्यादा है, तो आप देखिए कूपन यील्ड कितना मिल रहा है आपको, 8.8% मिल रहा है, तो कूपन यील्ड जो है 8.8% है और आपका YTM जो है वो कितना है, YTM है आपका, YTM कितना था इस केस में बताइए, इस केस में YTM नहीं दिया हुआ था, ठीक है, ओके। दो जैसे आपने निकाला था ना YTM इस बॉन्ड का, तो ये मार्केट प्राइस ज़्यादा लेके तो 10% आया था। तो दोस्तों आप इसे इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इस चीज़ को रिलेशनशिप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए YTM यदि करंट यील्ड से कम है, कब होगा YTM करंट यील्ड से कम, तो मार्केट प्राइस जो है फेस वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और YTM करंट यील्ड से ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस जो है फेस वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। करंट जो यील्ड है वो फोकस करता है किस चीज़ पे, तो करंट यील्ड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, करंट यील्ड का क्या मतलब है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, अभी हमने एग्जाम्पल देखा जिससे हम लोग देख सकते थे कि
इस वाले केस को आप देखिए अच्छे से, इस वाले केस को समझिए तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। ये चीज़ जो भी मैंने आपको बताया है ना वो चीज़ याद हो जाएगा। जब हम लोग ये कैलकुलेट, हाँ, बॉन्ड का मार्केट प्राइस 1000 ले रहे हैं, बॉन्ड का मार्केट प्राइस कितना ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो भी 1000 है। तो जब हम लोग फेस वैल्यू को मार्केट प्राइस के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, तो YTM कितना आ रहा है ज़रा बताइए। YTM 10% आ रहा है, ठीक है, YTM 10% आ रहा है। और जो हमारा करंट यील्ड है या कूपन यील्ड जो है, ठीक है, वो भी किस केस में कितना हो जाएगा बताइए। तो वो भी इस केस में आपका देखिए, आपका करंट यील्ड कितना होता है 100/1000, तो वो भी आपका कितना आएगा 10% आएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर कब है, YTM और करंट यील्ड या कूपन यील्ड बराबर कब है, जब हमारा फेस वैल्यू है मार्केट प्राइस के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो फाइनल रिलेशनशिप क्या निकला, फाइनल रिलेशनशिप ये निकला कि जो बॉन्ड का प्राइसिंग अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टर जो है वो प्रीमियम पे बॉन्ड को खरीदेंगे, उन्हें कैपिटल लॉस फेस होगा, और कैपिटल लॉस फेस होगा तो क्या होगा, रिटर्न जो इस बॉन्ड पे होगा वो बॉन्ड के करंट यील्ड से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उन्हें जो रिटर्न मिलेगा उन बॉन्ड पे, बॉन्ड से करंट, क्योंकि लॉस को फेस कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा रिटर्न है, इसीलिए क्या होगा, जो YTM होगा वो क्या होगा, बॉन्ड के करंट यील्ड से कम होगा। और वैसा बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है या उससे कम है, तो उस केस में प्रॉफिट रहेगा, और प्रॉफिट रहेगा तो रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसे मैं समराइज कर देता हूँ रिजल्ट को, ताकि आप रिजल्ट को समझ सकें, ये को समझना काफ़ी आवश्यक है। तो देखिए, मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए एक बॉन्ड है जिसका मार्केट प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में सोचिए, इन्वेस्टर को लॉस फील होगा या गेन फील होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उस बॉन्ड को खरीदने में, उसे लॉस फील होगा। और दोस्तों, यदि लॉस फील होगा तो उसका रेट ऑफ रिटर्न भी तो कम होगा ना, रेट ऑफ रिटर्न को ही तो YTM कहते हैं। अभी मान लीजिए YTM वही है, तो जो करंट यील्ड है, ठीक है, करंट यील्ड जो है YTM जो होगा वो करंट यील्ड से क्या होगा, कम होगा, समझना। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक केस ले लीजिए, दूसरा केस ले लीजिए, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज आपको रहेगा ना तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाओगे, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दूसरा केस लेते हैं, फेस वैल्यू मान लीजिए कि मार्केट प्राइस से, या इसको ऐसे लिखिए, मार्केट प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम है। अब आप बताइए, मार्केट प्राइस ही कम है, तो मार्केट प्राइस कम है तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो बायर है, जो बॉन्ड को खरीद रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको कैपिटल गेन मिलेगा, और कैपिटल गेन मिलेगा तो रिटर्न क्या होगा, बॉन्ड पे ज़्यादा होगा, तो रिटर्न ज़्यादा होगा तो YTM जो है वो करंट यील्ड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही दो रिलेशनशिप है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब करंट यील्ड का डिमेरिट क्या है, कि करंट यील्ड केवल फोकस करता है करंट इनकम पे, किस पे फोकस करता है, केवल करंट इनकम फोकस करता है, और प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं, करंट यील्ड जो है ना, जो हमारा करंट यील्ड है, करंट यील्ड क्या कर रहा है, इट मिस मेजर्स, ये गलत मेजर कर रहा है, ठीक है। आखिर बॉन्ड का प्राइस भी तो चेंज होता है, आप हमने इंटरेस्ट रेट देखा था ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने घटाने में बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन करंट यील्ड को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो करंट यील्ड क्या कर रहा है, मिस मेजर कर रहा है बॉन्ड्स के टोटल रिटर्न को, मतलब बॉन्ड का जो टोटल रेट ऑफ रिटर्न है उसको करंट यील्ड सही से मेजर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है, प्रीमियम के रिटर्न को ओवर स्टेट कर देता है, और डिस्काउंट के रेट को ही अंडर स्टेट कर देता है, इसीलिए हम लोग करंट यील्ड को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, करंट यील्ड निकालने पूछा जा सकता है, तो कैसे निकालते हैं वही आपको समझ में आना चाहिए। निकालने के लिए मैंने बताया आपको, जो इन्वेस्टमेंट है उसको नीचे लिखना है, और जो आपका एनुअल इनकम है उसको ऊपर लिखना है। चलिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग YTM निकालना सीखते हैं, YTM होता क्या उसे समझते हैं, और YTM कैसे निकालते हैं वो जरा देखते हैं। तो दोस्तों, YTM को समझते हैं, YTM क्या होता है और YTM को कैसे कैलकुलेट करते हैं। YTM का फुल फॉर्म है दोस्तों, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। पहले ये समझिए कि आखिर ये YTM होता क्या है, YTM होता क्या, ये समझ लेंगे ना तो आप इसके कैलकुलेशन को तुरंत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, YTM एक रेट ऑफ रिटर्न को मेज़र करने का एक स्टैंडर्ड मेज़र है, ठीक है। आप यदि ये पता लगाना चाह रहे हैं कि किस इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड का प्राइसिंग करेक्ट होगा, तो YTM आपको बताएगा। तो बेसिकली ये वो डिस्काउंट रेट होता है, YTM क्या होता है, ये वो डिस्काउंट रेट होता है, डिस्काउंट रेट
दैट मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जिसके कारण जो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू है ठीक है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स प्राइस, तो इसे हम लोग कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब ये वो डिस्काउंट रेट है जिसके कारण जो हमारा बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होता है, उसके प्राइस के बराबर हो जाता है ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। तो दोस्तों अब YTM को कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो बॉन्ड का YTM है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देखते हैं। तो आपको करना क्या है, हर एक बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है ठीक है, और दोस्तों उसका उसका अपना बॉन्ड का प्राइस भी होता है। तो आप क्या चाह रहे हैं, एक ऐसा रेट निकालना चाह रहे हैं जिसमें बॉन्ड का प्राइस और बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए ठीक है। यही हमारा YTM निकालने का तरीका है। अब YTM कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। लेट अस टेक अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस मोस्ट क्लियरली। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 10% 6 ईयर बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया हुआ 1000। तो नोट करते हैं दोस्तों, जो तो काम का चीज़ है उसे नोट करते हैं, YTM कैलकुलेशन को समझते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो कूपन रेट दिया हुआ है हमें 10%, 6 साल का बॉन्ड है मतलब टाइम जो है वो 6 ईयर है ठीक है। फेस वैल्यू दे रखा है 1000, ये 3 डाटा हमने देखा। उसके बाद पढ़िए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हैज बीन परचेज बाय मिस्टर एक्स फॉर ₹900। तो मिस्टर एक्स ने ₹900 रखा था, तो मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितना 900, यानी परचेजिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 900 ठीक है। चलिए ये हमें दिया हुआ है। अब दोस्तों एक और क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द YTM, YTM निकालना है यील्ड टिल मैच्योरिटी निकालना है ठीक है, यील्ड टिल मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना है। तो दोस्तों हमें R निकालना है, सिंपल सी बात है, वी हैव टू कैलकुलेट R। तो पहला मेथड को यूज करते हैं, 4 मेथड से हम इसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। मैं मेथड नंबर 1 बताता हूं। तो दोस्तों मेथड 1 में क्या करना है, YTM का फॉर्मूला यूज करना है। अब दोस्तों YTM का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो YTM का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, देखिए YTM का फॉर्मूला है कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है, इस होल को डिवाइड कर दीजिए 0.36 टाइम्स फेस वैल्यू प्लस 0.64 टाइम्स मार्केट वैल्यू। ये हमारा YTM का फॉर्मूला है ठीक है, ये पहला फॉर्मूला याद रखिएगा YTM का। अब दोस्तों पुट करते हैं वैल्यू को ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग पुट करें, जो हमारा वैल्यूज है उसको पुट करें यदि हम, तो बताइए कूपन कितना है हमारा, कूपन निकाल लीजिए 10%, 1000 का 100 मिलेगा आपको 100। फेस वैल्यू कितना है हमारा, तो फेस वैल्यू है हमारा दोस्तों 1000 और मार्केट वैल्यू है 900 और टाइम दिया हुआ है 6 ईयर ठीक है। 0.36 इंटू 1000 ठीक है, और प्लस 0.64 इंटू 900, इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो मिल जाएगा 100 प्लस 16.67 अपॉन 360 प्लस 570, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 116.66 डिवाइडेड बाई 936, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.1246 परसेंटेज में निकालने के लिए कितना हो जाएगा 12.46% ठीक है। तो दोस्तों ये जो 12.46% है ये निकल गया। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला ऊपर वाला है ना, इसमें ये जो 0.36 मैंने लिखा है और ये जो 0.64 निकाला है ये स्पेशल कांस्टेंट है ठीक है। तो ये आप चाहे क्वार्टरली रहे सेमी क्वार्टरली रहे सभी में इसे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो आपको मान लीजिए वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला जो आया है, जो रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं, तो कैसे वेरीफाई कीजिएगा। तो दोस्तों वेरीफाई कैसे करता है बताइए, वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको, YTM जो निकला है 12.46 ठीक है, उसको बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला याद है, बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, अभी मैंने आपको बताया ना बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला, ऊपर मैंने बताया था कि बॉन्ड प्राइस निकालने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, 1/1 + R होल टू द पावर टी टू द पावर कूपन इंटू 1 + R होल टू द पावर टी माइनस 1/R + FB, याद है। इस फॉर्मूले में आप R की जगह लिख दीजिए 12.46, बाकी डाटा आपको दिया हुआ है ना ठीक है। तो आप निकाल के देखिए
तो निकाल के आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप आपको देखेगा कि ये करेक्ट YTM है, 12.46 जो है वो हमारा करेक्ट YTM है। तो ये था मेथड नंबर वन। अब सेम क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर टू से सॉल्व करता हूँ। लेट अस सॉल्व सेम क्वेश्चन यूजिंग मेथड नंबर टू। तो मेथड नंबर टू में क्या है कि YTM का एक अल्टरनेट फार्मूला है, उसे हम लोग यूज करेंगे। तो YTM का अल्टरनेट फार्मूला क्या है, फॉर्मुलेट फार्मूला है टू टाइम्स कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टी, इस होल को डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू से, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट फार्मूला है, और दोस्तों ये सिंपलेस्ट है, ये फार्मूला जो है क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला है और ये इजीएस्ट फार्मूला है, ठीक है, जिसे हम लोग YTM को निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से क्लोज निकल जाएगा। तो आइए जरा इसे यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स कूपन कितना है हमारा, कूपन है हमारा 100, FB माइनस MB कितना हो जाएगा 500, सॉरी 900 है ना, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ये हमारा 900 है, तो ये हो जाएगा 100 और टाइम कितना है 6 और FB प्लस MB कितना हो जाएगा 1900। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसे आप यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 12.28%, ठीक है 12.28%, ठीक है। तो ये भी, ये हमारा सेकंड आंसर हुआ। यदि आप इसे ही वेरीफाई कर सकते हैं कि जो 12.28% वैल्यू आया है, इसको आप बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, और बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, देखिए 900 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि आपको ये वैल्यू जो मिलेगा ना वो 907 मिलेगा, लेकिन यहाँ कितना है 900, तो आप इस फॉर्मूले को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपका नज़दीक जा रहा है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आपको 900 नहीं आता है, 907 आता है। ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, बुक में आपको यही मेथड समझाया गया है, बुक आप खुलिएगा तो YTM निकालने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड ही बताया गया है। अब मैं आपको रिकमेंड ब्लास्ट में करूँगा, पहले मेथड को आप समझिए, पहले मेथड को समझिए क्या क्या मेथड है हमारे पास, और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा मेथड आपको यूज करना है, ट्रायल एंड एरर या हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब देखिए ट्रायल एंड एरर के लिए थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है, कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे बताइए, फेस वैल्यू कितना है हमारा, फेस वैल्यू है 1000 और मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू कितना है हमारा, या बॉन्ड प्राइस, मार्केट प्राइस जो बोलिए आप, बॉन्ड प्राइस ही बोल सकते हैं, बॉन्ड प्राइस कितना है 900। तो FB जो है वो MP से ज़्यादा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इस कंसेप्ट का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, याद कीजिए मैंने बताया है आपको, करंट यील्ड के वाले केस में बताया था ना। अब बताइए FB यदि हमारा MP से ज़्यादा है, तो जो कस्टमर है यानी जो इन्वेस्टर है यानी जो जो बॉन्ड को खरीद रहे हैं, उनको लॉस फील होगा या गेन फील होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए, उनको सस्ते में मिल रहा है, 900 रुपये में मिल रहा है, तो उनके लिए क्या है, गेन ही है। अब उनको यदि गेन है तो रेट ऑफ रिटर्न भी तो ज़्यादा मिलेगा उन्हें, तो इसके कैसे, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या ये होगा कि जो YTM है वो क्या होगा, वो भी हमारा कूपन रेट से ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं बात को, YTM जो है वो कूपन रेट से ज़्यादा होगा। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब YTM जो है कूपन रेट से ज़्यादा है, रूल क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए यूज़ क्या है, आपको क्या करना है, एक ऐसा वैल्यू लेना है YTM का क्योंकि कूपन रेट से ज़्यादा है, कूपन रेट यहाँ पे कितना है 10% है, ठीक है, और जो भी YTM आप लिए हैं तो उसके लिए बॉन्ड प्राइस का जो फॉर्मूला है उसे पुट कर दीजिए, ठीक है, और तब तक प्राइस निकालिए जब तक प्राइस का वैल्यू 900 से कम नहीं हो जाए। चलिए अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, CR कितना है इस केस में, CR है हमारा 10%, कूपन रेट है हमारा 10% और YTM जो है वो 10% से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप स्टेप वन क्या कीजिए, स्टेप समझिए, स्टेप वन क्या कीजिए, स्टेप वन में आप क्या कीजिए दोस्तों, स्टेप वन में आप YTM को ले लीजिए 11% जो कि 10% से ज़्यादा है, ठीक है, और आप क्या कीजिए, बॉन्ड प्राइस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉन्ड प्राइस को मैंने पहले बताया था कि बॉन्ड प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो बॉन्ड प्राइस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको याद है, आपको फॉर्मूला बताया था 1/1 R होल टू द पावर टी टू द पावर 1+R होल टू द पावर टी माइनस 1/R इंटू कूपन प्लस फेस वैल्यू, ठीक है ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह R की जगह पुट कर दीजिए 11%, क्या पुट कीजिएगा, R की जगह 11% पुट कीजिएगा, या आपके पास जो भी मेथड सुटेबल है उसे आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, तो आप जब y के जगह 11% पुट करेंगे तो आपको जो बॉन्ड प्राइस मिलेगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, ठीक है, नहीं याद हुआ तो पीछे जाके देखिए, मैंने समझाया अच्छे तरीके से आखिर कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, डेरिवेशन को भी आप समझ सकते हैं आसानी से। तो यदि YTM आप 11% ले रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस जो आएगा वो आ जाएगा 957.69, क्योंकि 900 से क्या है, ज़्यादा है, आपको क्या करना है 900 से कम तक लाना है, ठीक है। आप एक और गेस कीजिए, आप YTM को 11% की जगह 12% लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो होना है, आप 12% लीजिए, तो 12% पर यदि बॉन्ड प्राइस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 917.78। तो फ्रेंड्स यहाँ पे YTM जब 12% ले रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस आ रहा 900, क्योंकि क्लोज है, क्योंकि 900 से क्या है, क्लोज है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी भी है, ठीक है, हमको कम करना है। आप 13% लीजिए YTM को, आप 13% लीजिए, तो 13% जब लीजिएगा ना तो बॉन्ड प्राइस आपका आ जाएगा कितना, 880.06। तो ये जो है 900 से कम है ना, ये तो चाहिए था हमें, ठीक है, तो 13% पे क्या देख रहे हैं कि हमें 900 से कम मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो YTM एक्चुअल YTM है वो 12% से ज़्यादा है और 13% से क्या है, कम है। तो आप इंटरपोलेशन को यूज़ कीजिए, इंटरपोलेशन याद है ना, इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, इंटरपोलेशन निकालना आपको बहुत आसान है। इंटरपोलेशन देखिए, 12% के लिए इतना, 13% के लिए इतना, ठीक है, 12% के लिए इतना, 13% के लिए इतना, और एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू है 900 है। तो इंटरपोलेशन के लिए इंटरपोलेशन यूज़ कीजिए। देखिए सिंपल इंटरपोलेशन को मैं समझाता हूँ दोस्तों, आप बेसिकली करते क्या है कि स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 12.917.77, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कितना, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 13.880.56। तो इसीलिए एक पॉइंट आप और मान लेते हैं कि एक पॉइंट है इसका हमको एक कोऑर्डिनेट पता है 900, ये निकालना है हमें, यही तो है इंटरपोलेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, ये माइनस ये 917.78 -880.56 अपॉन 12 -13, ठीक है, ठीक है, अपॉन 12 -13, इज इक्वल टू y -900 अपॉन 900 -917.78, ठीक है, इसे आप y निकाल लीजिए, ठीक है, इसे आप y x या x कीजिए, x -900, ठीक है, सॉरी x -900 नहीं होगा, x -12 होगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपको x ही तो निकालना है, x माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, ठीक है, तो x का जो वैल्यू मिलेगा आपको इसके इंटरपोलेशन करने पे मिल जाएगा 12.47%, ठीक है। तो ये इंटरपोलेशन का फायदा है, तो इंटरपोलेशन से आप क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। ये आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप कोऑर्डिनेट जो लिए ना उसे आप चाह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, तो आप इससे स्लोप निकाल लीजिए और इससे स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है, और स्लोप आपको पता ही है, स्लोप यहाँ पे एक चीज़, एक मिस्टेक है दोस्तों, देखिए यहाँ मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे स्लोप जब निकालेंगे ना तो y-y1 लिखते हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे 917.78 -900 अपॉन x -12, ठीक है, हाँ अब सही, अब यहाँ से x निकालेंगे आप, चलिए, तो ये जो x निकलेगा वो आपको कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको 12.47%, यही है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। चलिए तो आप क्या कीजिए, फिर से आप r का वैल्यू 12.47% पुट कीजिएगा इस बॉन्ड प्राइस के वैल्यू में, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 899.80। देखिए कितना क्लोज है, देख रहे इतना क्लोज मिला था क्या किसी केस में, एक में आपको 907 मिल रहा था जो कि ज़्यादा था, ये देखिए कितना क्लोज है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका, ये तो तीन मेथड हमने देख लिया, लास्ट ऑप्शन है आपके पास जो चौथा मेथड है, उसे कहते हैं हम लोग चीट मेथड। इसमें क्या कहते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, ए बी सी डी दिया हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए कि एक वैल्यू उठाइए कोई सा भी और उसको बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूला में पुट कीजिए, ठीक है, बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूला में पुट कीजिए और देखिए कि प्राइस जो है वो 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, और यदि आ गया तो वही आंसर है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पे चार मेथड देखे, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है कैलकुलेशन में। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन में कौन सा मेथड यूज़ करना है,
तो मैं ऑप्शन यदि दिया हुआ, ऑप्शन यदि दिया है तो मेथड वन ज़्यादा अच्छा है। मेथड वन याद था, फॉर्मूला फॉर्मूला में बताया था मैंने। हाँ तो देखिए, ऑप्शन जब यदि मान लीजिए कि ऑप्शन आपको पता हो, आपके सामने ऑप्शन दिया गया हो, ठीक है, तो दोस्तों मेथड वन जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। या तो ऑप्शन यदि नहीं दिया हुआ है तो मेथड वन सही है, ठीक है, और यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो मेथड फोर सही है, क्योंकि फोर में आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन का यूज़ करके आप बॉन्ड वो वाई टी एम निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और मेथड टू जो है, मेथड टू जो है उससे अप्रॉक्स निकालते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो मैं ऑप्शन नहीं दिया है तो मेथड वन यूज कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है तो मेथड फोर यूज कीजिए, और ऑप्शन टू से जो है आप यदि आपका अप्रॉक्स निकालना है तो आप मेथड नंबर टू यूज कीजिए। मेथड थ्री में क्या है, लंबा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, आपको सब सब कुछ क्लियर रखना है, सभी मेथड को क्लियर रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। अगला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। आइए जरा देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न को कैसे निकाला जाए, हाउ डू वी कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला समझिए। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है कूपन इनकम प्लस प्राइस चेंज, कूपन इनकम प्लस प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कूपन इनकम प्लस प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको इसी को क्लियर करता हूँ दोस्तों, कि कूपन इनकम अपॉन प्लस प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट को कैसे यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए 6% का ट्रेजरी बॉन्ड है, मतलब सीआर दिया हुआ है हमें 6%, ठीक है, कूपन रेट दिया हुआ है 6%, और दोस्तों बॉन्ड का प्राइस यानी मार्केट वैल्यू दे रखा है 1010.7777, इतना रुपीज़ दिया हुआ है, ये रुपीज़ में, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी का ये, और नेक्स्ट ईयर जो प्राइस है, क्योंकि मैंने बताया है कि बॉन्ड का प्राइस चेंज होता है ईयर टू ईयर, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है वो, तो नेक्स्ट ईयर जो हो गया उसको बेचा गया, सोल्ड एट ₹1020, ये रुपीज़ पे बेचा गया, अभी है 1010.17 और नेक्स्ट साल बेचा गया 1020 पे, कूपन रेट दिया हुआ है 6%। और आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो रेट ऑफ रिटर्न के निकालने के लिए क्या कीजिएगा बताइए। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का बहुत सिंपल है दोस्तों, कूपन अमाउंट निकाल सकते हैं ना, और फेस वैल्यू मान लीजिए 1000, फेस वैल्यू कितना है आपका 1000 है, तो फेस वैल्यू यदि 1000 है तो कूपन पेमेंट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। प्राइस चेंज कितना हुआ, अभी था इतना अभी हो गया इतना, तो प्राइस चेंज दोनों घटा दीजिए, 1020 माइनस 1010.77 ये आपको मिल जाएगा कितना 9.33, ठीक है। फॉलो में पुट कर दीजिए, कूपन इनकम कितना है 60, ठीक है, इसका इसका 6% निकालिएगा तो 60 मिलेगा ना आपको, ठीक है, प्लस 9.33 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना आपने किया था, इन्वेस्टमेंट आपने किया था अभी इतना, इस साल इतना इन्वेस्टमेंट किया था 1010.77, इससे आपको मिल जाएगा 69.33, ठीक है, 69.33 अपॉन 1010.77 इज इक्वल टू 6.86। देखिए क्या है, समझिएगा प्रयास के लिए, आप नॉमिनेटर में क्या लिख रहे हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है आपको कूपन अमाउंट मिल रहा है हर एक सालाना, और एक प्रॉफिट हो रहा है आपका प्राइस चेंज हो रहा है, अभी 10 अभी इतना था, अब बढ़ के हो गया इतना, कभी हो सकता है घट जाएगा, घट जाएगा तो माइनस कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, इन्वेस्टमेंट आपने इतना किया है, ठीक है। ये तब काम आता है जब मान लीजिए कि ए ने बी को बॉन्ड बेचा, बी ने सी को बॉन्ड बेचा, तो उस केस में रेट ऑफ रिटर्न का काम आता है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप रेट ऑफ रिटर्न में कर क्या रहे हैं कि नॉमिनेटर में लिख रहे हैं टोटल प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड टू मैच्योरिटी में काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है, देखिए यदि बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी अनचेंज रहता है तो रेट ऑफ रिटर्न जो है यील्ड के बराबर होगा, समझिए बात को। एक कंडीशन है कि इफ बॉन्ड्स YTM, यदि YTM अनचेंज रहेगा ड्यूरिंग एन इन्वेस्टमेंट पीरियड,
देखिए YTM भी चेंज होते रहता है इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान। यदि YTM हमारा अनचेंज रहेगा इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान, तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा ना, रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो यील्ड के बराबर होगा, ठीक है। यील्ड यानी कि करंट यील्ड, ठीक है, करंट यील्ड के बराबर, ठीक है। यदि मान लीजिए बॉन्ड का जो YTM है वो बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड का YTM बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो यील्ड से कम होगा, करंट यील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको आप, इसको समझना है ना आपको, देखिए काफ़ी आसान है समझना है इसको, नहीं इसमें देखिए रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका फॉर्मूला आप देखिए, यदि तो पहले आप क्या लिखते हैं, कूपन प्लस क्या लिखते हैं, प्राइस चेंज, और प्लस क्या लिखते हैं, अपॉन क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब आप इसको तोड़ दीजिए दो पार्ट में, यहाँ लिख दीजिए कूपन अपॉन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ लिख दीजिए प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब आप बताइए दोस्तों, कूपन अपॉन इन्वेस्टमेंट को ही तो हम लोग यील्ड कहते हैं ना, याद है, सही कहते हैं ना, यील्ड याद है आपको, कूपन अपॉन यील्ड कहते हैं। अब प्लस ये फैक्टर है, ये फैक्टर जो है दोस्तों प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट, वो YTM पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखिए यदि ROR है, ठीक है, यदि YTM हमारा बढ़ेगा, यदि रेट ऑफ रिटर्न हमारा बढ़ेगा, ये प्राइस चेंज नेगेटिव होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ROR जो है वो यील्ड से कम होगा। और यदि YTM आपका घट रहा है, यदि यील्ड टू मैच्योरिटी आपका घट रहा है, जो ROR है वो यील्ड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। YTM आपका घटा यानी यील्ड टू मैच्योरिटी आपका क्या हो गया, घट गया, तो आप बताइए प्राइस चेंज क्या हुआ होगा। YTM बेसिकली एक रेट ऑफ रिटर्न ही तो है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीन चीज़ के इसको याद रखिएगा कि ROR यील्ड कब होता है, ROR यील्ड से कम कब होता है, और ROR यील्ड से क्या होता है, ज़्यादा कब होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक अभी क्लियर कर दूँ, रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा रिस्क होता है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ शो करता हूँ, इस चार्ट से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा रिस्क होता है। देखिए ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में वाई एक्सिस पे आपका एक एक्स एक्सिस पे आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और दोस्तों वाई एक्सिस पे बॉन्ड का आप प्राइस देख सकते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास जो थीक वाला बॉन्ड है, जो थीक वाला लाइन वाला बॉन्ड है, वो देखिए थीक लाइन वाला जो बॉन्ड है ना, वो आपका 30 साल का है, समझिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए जो थीक लाइन है वो 30 साल का है और 6% कूपन बॉन्ड है, और जो डार्क वाला है, ये वाला थिन लाइन वाला, और जो डार्क है वो 3 साल का है, 3 साल का मैच्योरिटी और 6% कूपन बॉन्ड है। तो आप क्या देख सकते हैं कि इसमें कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप देखिए तो जो थिन लाइन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू थिक लाइन, डार्क लाइन, ठीक है। तो जो 30 साल का बॉन्ड है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू थिन लाइन। आप इसके पीछे कारण भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारा जो लॉन्गर पीरियड बॉन्ड है वो जो है ज़्यादा सेंसिटिव है आपका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, जो हमारा बॉन्ड का वैल्यू है वो घटता है, ठीक है, और यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो जो बॉन्ड का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास दो ईयर दे दे, यहाँ देखिए कूपन रेट सेम है दोनों के लिए, ठीक है, लेकिन क्या है कि किस केस में कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। तो याद रखिएगा जो ज़्यादा टाइम का रहता है बॉन्ड, जो ज़्यादा टाइम पीरियड रहता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो एक है हमारा इंटरेस्ट रेट, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड प्राइस इज सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू, यानी कोई बॉन्ड में यदि इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का इंटरेस्ट रेट रिस्क उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है बॉन्ड प्राइस के केस में। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग रेट ऑफ रिटर्न को समझ लिए, अब हम लोग एक और चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है जो कि समझते हैं दोस्तों, हाँ एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क था जो कि आपने देख लिया, तो उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होता क्या है दोस्तों, तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या है,
बेसिकली आप देखते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और जो हमारा बॉन्ड प्राइस है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ेगा तो बॉन्ड होल्डर को क्या होता है, बॉन्ड होल्डर को गेन होता है, और यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड होल्डर को क्या होता है, लॉस होता है। तो ये चीज़ आपको पता है। तो एक ऐसा समय आता है, यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी बॉन्ड में एक री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब वो कोई इन्वेस्टर है वो क्या करना चाहेगा कि री इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो एक समय आता है कि व्हेन द एक्स्ट्रा गेन ऑन री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट करने पे जो गेन मिल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है, इस केस में आप ऐसे समझिए कि बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, हाँ, यदि आपका मार्केट वैल्यू बॉन्ड का कब घटेगा, यदि आपका मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से देखिए हो क्या रहा है, एक तरफ आपका बॉन्ड का मार्केट वैल्यू घट रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन आप क्या फ़ायदा आप, लेकिन आपको एक और फ़ायदा मिल रहा है, आपका जो कूपन अमाउंट है वो भी तो बढ़ रहा है ना, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कूपन अमाउंट भी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको री इन्वेस्टमेंट पे गेन मिल रहा है। तो आपको एक ऐसा सिचुएशन लाना है कि जब ये दोनों बराबर हो जाए, कि एक तरफ जो घट रहा है आपका, एक तरफ आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, और एक तरफ आपको गेन हो रहा है कूपन अमाउंट पे, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका री इन्वेस्टमेंट पे गेन हो रहा है वो फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है। तो यदि ड्यूरेशन ज़्यादा है, समझिए, यदि मान लीजिए कि ड्यूरेशन ज़्यादा है बॉन्ड का, तो वो रिस्की बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हम लोग ड्यूरेशन से समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा रिस्क है बॉन्ड में। यदि ड्यूरेशन लेस है, लेस ड्यूरेशन है, तो वो क्या है दोस्तों, लेस रिस्क है, ठीक है। और कोई भी बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है प्राइस चेंज से, हम लोगों ने देखा है, इसलिए उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग इस केस में आप देखिए, ये जो केस आपके सामने बताया, इस केस में किसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, तो ये 30 साल वाले बॉन्ड का ज़्यादा ड्यूरेशन है, क्योंकि ये क्या है, इसका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्गर है, ठीक है। और जो जीरो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन जो होता है वो मैच्योरिटी के बराबर होता है। चलिए, तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब ड्यूरेशन को निकाले कैसे, तो ड्यूरेशन को निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। ड्यूरेशन समझ में आ गया ना, ड्यूरेशन समझ में आ गया होगा आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से एक तरफ हमारा लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा गेन हो रहा है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोनों बराबर हो जाए उसे हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए पहले क्या करना है आपको, समेशन ऑफ पीवी इंटू टी निकालना है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको कि बॉन्ड का मार्केट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेगा, समेशन ऑफ पीवी से निकालेगा। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, समेशन ऑफ पीवी इंटू टी इंटू समेशन ऑफ पीवी करना है। ये 3 स्टेप हैं। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे इन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे, क्या आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि फेस वैल्यू दिया हुआ है आपको 100 रुपया, कूपन रेट दिया हुआ है आपको 12.5%, ठीक है, टाइम दिया हुआ है आपको 5 साल, ठीक है, और दोस्तों आपको YTM दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%। चलिए ये डाटा दी गई है आपको, आपको पूछा है ड्यूरेशन निकालने के लिए। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया, समेशन ऑफ पी वी इंटू टी निकालिए। पहले कूपन निकाल लीजिए, 12.5% ऑफ 100 कितना मिलेगा बताइए, 12.5 मिलेगा। तो समेशन ऑफ पी वी इंटू टी कैसे निकालेंगे, तो समेशन ऑफ पी वी इंटू टी निकालने के लिए, ठीक है, कूपन इंटू 1/PVIFA, ठीक है, 1+R प्लस 1+R का होल स्क्वायर प्लस 1+R का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1+R होल टू द पावर t-1, ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया केवल हमारा कूपन के लिए। और उसके लिए क्या, उसके लिए फेस वैल्यू, ठीक है, एक लास्ट वाले के लिए प्लस
फेस वैल्यू प्लस कूपन इंटू इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर टी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, कूपन का वैल्यू कितना है, कूपन का वैल्यू है 12.5, ठीक है, और 1/1.15 हो जाएगा, प्लस 1.15 का स्क्वायर, 1.15 का क्यूब, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये हम लोग बेसिकली इंटू टी भी तो कर रहे हैं, इसीलिए 1, 2, 3 ऊपर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा हमारा फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 100, कूपन अमाउंट कितना है, कूपन अमाउंट है दोस्तों हमारा 12.5 × 5 होल टू द पावर 1.15 होल टू द पावर 5, ठीक है। इसे यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 12.5, करके देखिए दोस्तों खुद से, 0.86956, 1.51228, 1.97254, 2.287 प्लस 112.5 × ये मिल जाएगा आपको 2.48588, यानी कि अभी मिल जाएगा 362.9787। पहला स्टेप आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, हमें बॉन्ड का मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बॉन्ड का मार्केट प्राइस, तो दोस्तों बॉन्ड का मार्केट प्राइस ये आप ये इसको नोट कर लीजिए। अब बॉन्ड का मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो देखिए बॉन्ड का मार्केट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमें पता है, हम लोग बॉन्ड का मार्केट प्राइस निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं बॉन्ड का मार्केट प्राइस, तो दोस्तों देखिए बॉन्ड का मार्केट प्राइस यानी कि समेशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू बॉन्ड प्राइस, उसका फॉर्मूला है 1/1 + r होल टू द पावर टी अंडर ब्रैकेट कूपन इंटू 1 + r होल टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन r प्लस फेस वैल्यू, यही होता है हमारा ये निकालने का तरीका, ठीक है। अब दोस्तों आगे का क्या हो जाएगा, 1/1.15, टी कितना है हमारा, टी है 5 इंटू कूपन है 12.5 इंटू 1.15 होल टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.15 प्लस 1 + 100, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 91.61994, इसे कैलकुलेट करेंगे तो। चलिए ये निकल गया, और तीसरा स्टेप क्या है, ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया, और तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, तीसरा स्टेप ये है कि पहले स्टेप में जो हमने निकाला है दूसरे स्टेप में निकाला है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है 362.9787 को हम लोग 91.61994 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा 3.96। यही हमारा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द गिवन बॉन्ड है, ठीक है। एक और टर्म होता है दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये क्या होता है, तो दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है ये हमें किसी भी बॉन्ड का प्राइस सेंसिटिविटी निकालने के लिए तरीका होता है, टू कैलकुलेट प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ड्यूरेशन आप निकाल लीजिए, ड्यूरेशन निकालने के बाद नीचे में प्रिंसिपल लिख दीजिए और प्लस इंटरेस्ट लिख दीजिए फॉर वन ईयर, ठीक है, इससे मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकलेगा। कहीं कहीं आप देखिएगा ड्यूरेशन अपॉन 1 + y/n भी लिखा रहता है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा, मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। अब अगले लेसन में आपके साथ MCQs को लाऊंगा। तो फ्रेंड्स चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।